नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज पर। दोस्तों, आप सब लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि पाकिस्तान एक इस्लामिक राष्ट्र है और दुनिया भर में इस बात का ढिंढोरा पीटता है कि वो हमेशा दुनिया भर के मुस्लिम लोगों के साथ खड़ा है। दोस्तों, आप सब लोगों ने देखा होगा कि भारत के अंदर जब भी कोई छोटी मोटी बात होती है तो पाकिस्तान दुनिया भर में इस चीज़ का रोना रोने लगता है कि भारत के अंदर रहने वाले मुस्लिम लोगों के साथ भारत अत्याचार कर रहा है, भारत ने जबरन कश्मीर के ऊपर कब्जा कर रखा है। लेकिन आप सब लोग इस बात को जानते होंगे कि पाकिस्तान के अंदर जो पीओके है उसके अंदर रहने वाले मुस्लिम लोगों की क्या हालत है। आज भी पाकिस्तान पीओके में रहने वाले मुस्लिम लोगों को दूसरे दर्जे का इंसान मानता है, लेकिन भारत में रहने वाला मुस्लिम कभी भी इसके बारे में कुछ नहीं कहता। दोस्तों, आप सब लोगों ने इस चीज़ को देखा होगा कि भारत का मुस्लिम कभी भी पाकिस्तान की आलोचना नहीं करता, बल्कि दुनिया भर के मुस्लिम हमेशा एक साथ मिल करके भारत की आलोचना करते हैं। दोस्तों, आज पाकिस्तान के अंदर रहने वाले लाखों अहमदिया मुसलमानों को पाकिस्तान अपने देश से निकाल रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर अहमदिया मुस्लिम लोगों को दूसरे दर्जे का नागरिक माना जाता है। एक मुस्लिम देश के अंदर ही मुस्लिम व्यक्ति के साथ इतना बड़ा भेदभाव किया जाता है, लेकिन भारत में बैठा हुआ कन्वर्टेड कभी भी इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाता और ना ही दुनिया के दूसरे मुस्लिम देश इस बारे में कुछ कहते हैं। दोस्तों, अगर कुल मिलाकर के देखा जाए तो दुनिया भर के मुस्लिम देश सिर्फ और सिर्फ भारत पर ही निशाना साधते हैं। दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जहां पर मुस्लिम लोगों की हर प्रजाति रहती है, लेकिन दुनिया के अंदर कोई एक भी ऐसा मुस्लिम देश नहीं है जहां पर मुस्लिम धर्म के मानने वाले सारे फिरके एक साथ रह सके। दोस्तों, जहां पर सुन्नियों की आबादी है वहां पर शियाओं को दबाया जाता है, तो जहां पर शियाओं की आबादी ज़्यादा है वहां पर सुन्नियों को दबाया जाता है। दोस्तों, आज के समय में दुनिया के अंदर लगभग जितनी भी मुस्लिम कंट्रियां मौजूद है वहां पर एक मुस्लिम दूसरे मुस्लिम के ऊपर अत्याचार करता है और साथ ही साथ उसका दमन करता है, जबकि भारत के अंदर मुस्लिम धर्म के मानने वाले सभी फिरके एक साथ रह रहे हैं और वो भी पूरी शांति से। लेकिन इसके बावजूद भी भारत में बैठे हुए कन्वर्टेड इस बात को कहते हैं कि भारत के अंदर मुस्लिम सुरक्षित नहीं है। दोस्तों, आप लोगों का इस दोगलेपन के बारे में क्या कहना है, प्लीज़ अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ।